हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ चैनल। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डेंटल इम्प्लांट्स से। मुझे कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि मैम, हम लोग डेंटल इम्प्लांट्स जो है पढ़ना चाहते हैं। ऑशियो इंटीग्रेशन में हम लोग थोड़ा वीक है, और ऑशियो इंटीग्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक लॉन्ग एसे में आता है, पीजी प्रोस्तो में 100 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और हमारा यूजी के अंदर भी, हमारे बीडीएस में भी ऑशियो इंटीग्रेशन अगर थ्योरी की बात करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमारा लॉन्ग एसे के अंदर आता है। तो आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे ऑशियो इंटीग्रेशन में। ऑशियो इंटीग्रेशन को हम लोग तीन पार्ट्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो जो कि हमारा आज है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे हमारा हिस्ट्री क्या है ऑशियो इंटीग्रेशन का, हमारा डेफिनेशन क्या है ऑशियो इंटीग्रेशन का। उसके बाद हम लोग सक्सेस क्राइटेरिया पढ़ेंगे क्या है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा प्रोसेस क्या है, हमारा फेजेस क्या है, हमारा ऑशियो इंटीग्रेशन होता कैसे है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फेजेस ऑफ ऑशियो इंटीग्रेशन। सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट की बात, कौन सा कॉन्सेप्ट जो है सबसे पहले आया था, कौन सा कॉन्सेप्ट हम आज फॉलो करते हैं। और थर्ड और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा वीडियो का, जो क्लिनिकली आपको बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, एक जो कि बताता है कि हमारा इम्प्लांट ऑशियो इंटीग्रेट हो चुका है या नहीं हो चुका है, कैसे हम चेक करते हैं कि हमारा डेंटल इम्प्लांट जो है बोन के अंदर वो मिल चुका है, क्या उसकी प्राइमरी स्टेबिलिटी है, क्या उसकी सेकेंडरी स्टेबिलिटी है। तो सबसे पहले जो था हमारा ऑशियो इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट जो था वो 1940 में आया था। तो 1940 में हमारे जो बॉथ थे और उसके उन्होंने ऑशियो इंटीग्रेशन दिया। उसके बाद जो हमारे लेवेंथल जो थे उन्होंने हमारा 1951 में ऑशियो इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट लेके आया बिफोर द ब्रेन मार्क। ब्रेन मार्क के आने से पहले भी ये दो लोग ऑशियो इंटीग्रेशन के बारे में बता चुके हैं। उसके बाद हमारे आए ब्रेन मार्क, जो कि हमारे फादर हैं मॉडर्न इम्प्लांट्स के, जो कि हमारे फादर हैं ऑशियो इंटीग्रेशन के। तो ब्रेन मार्क आए, ब्रेन मार्क ने क्या किया, लेवेंथल के साथ मिलके इन्होंने एक ना एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, जो हमारा रैबिट है उसकी लोअर बोन के अंदर, ठीक है, उसके अंदर उन्होंने क्या किया, एक टाइटेनियम का स्क्रू डाला, प्योर टाइटेनियम का उन्होंने स्क्रू डाला। तो उसके बाद कुछ दिनों बाद जब वो उसको स्क्रू को निकालने की कोशिश करने लगे तो वो स्क्रू जो था वो निकला ही नहीं उनसे, वो उसके साथ जो था मिल चुका था एकदम बोन के साथ, और आसपास इधर उधर बोन ग्रो कर चुकी थी, वो निकल नहीं पाया, तो वो जो था ऑशियो इंटीग्रेट हो चुका था। तो ऐसे जो था हमारा कॉन्सेप्ट आया ऑशियो इंटीग्रेशन का, जो ब्रेन मार्क लेके आए थे। तो इन्होंने इसको क्या बोला था, इसको बोला था इन्होंने उस टाइम पे फिक्स्चर, ठीक है। फिर जो थे हमारे ब्रेन मार्क ने हमारे क्या किया, जो हमारे एनाटॉमी के प्रोफेसर थे वो, उन्होंने हमारा फर्स्ट, उनका जो फर्स्ट पेशेंट था, ब्रेन मार्क का फर्स्ट पेशेंट जो था वो क्लेफ्ट पैलेट का पेशेंट था। तो उनको क्लेफ्ट पैलेट के पेशेंट में रिटेंशन को देने के लिए जरूरी था कि वो एक इम्प्लांट डाले ताकि वो रिटेंशन बढ़ा सके अपने पैलेटल ऑब्चुरेटर की। तो उन्होंने जो था एक इम्प्लांट डाला, और इम्प्लांट जो था उनका सक्सेसफुल रहा थ्रू आउट द लाइफ उस पेशेंट में। तो वो जो हमारा इम्प्लांट था वो 40 इयर्स तक, जब तक कि पेशेंट हमारा जिंदा रहा वो हमारा इम्प्लांट जिंदा रहा। तो ऐसे करके हमारा इम्प्लांट आया। इसके बाद हम लोग जो इम्प्लांट की एक और वीडियो बनाएंगे उसके अंदर हम लोग इम्प्लांट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इंट्रोडक्शन टू इम्प्लांट जो होगा हमारा, उसमें हम इम्प्लांट की डिटेल इंट्रोडक्शन में जो है सारी बात होगी। तो ये जो हमारा डेंटल इम्प्लांट है, अभी मैं इम्प्लांट की बात नहीं करूंगी आपसे। तो हमारा जो डेंटल इम्प्लांट है ये देखिए, ठीक है, ये जो हमारा डेंटल इम्प्लांट है इसके सरफेस को क्या करना है, हमें यूनाइट करना है बोन के साथ। बेसिकली क्या है, जो डेंटल इम्प्लांट होता है ना हमारा, ये हमारा बोन का सरफेस है। ये डेंटल इम्प्लांट जो है हमारा रूट का काम करता है, इसके ऊपर जो है हम लोग हमारा क्राउन देते हैं, ठीक है, बीच में हमारा क्या होता है, अबटमेंट आता है, ठीक है। तो ये जो इम्प्लांट है जो कि बोन के अंदर रहता है, ये इम्प्लांट का जो है बोन के साथ कनेक्शन, वो हम बोलते हैं ऑशियो इंटीग्रेशन। ऑशियो इंटीग्रेशन का नाम में ही देखिए सब कुछ है, मैं हमेशा बोलती हूँ नाम में ही सब कुछ है। तो हमारा नाम क्या बोलता है, हमारा बोन, ओशियो मतलब बोन और इंटीग्रेशन मतलब कनेक्शन, इंटीग्रेशन मतलब जुड़ना, यूनाइट।
तो हमारा बोन के साथ जो है इम्प्लांट का सरफेस जुड़ रहा है, ये हमारा क्या हो गया, ऑशो इंटीग्रेट हो गया है। तो ऑशो इंटीग्रेट क्या डिफाइन करते हैं, एक डायरेक्ट स्ट्रक्चरल या फंक्शनल कनेक्शन है। देखिए फंक्शनल कैसे, इसके ऊपर लोड भी डालते हैं हम तो भी ये इससे जुड़ा हुआ रहता है, बोन के साथ लूज नहीं होता, इसीलिए ये क्या है हमारा स्ट्रक्चरल फंक्शनल कनेक्शन है हमारा बोन के अंदर, बिटवीन द ऑर्डर्ड लिविंग बोन एंड द सरफेस ऑफ द लोड कैरिंग इम्प्लांट, जो हमारा लोड जो कैरी कर रहा है इम्प्लांट उसके सरफेस पे जो है हमारा उसका बीच का कनेक्शन जो होता है वो ऑशो इंटीग्रेशन होता है। अब हमारा जो स्टीमन है उसने एक नई डेफिनेशन दी, सिंपल डेफिनेशन दी, उसने क्या बोला हमारा जो ऑशो इंटीग्रेशन है उसको उतना कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। तो ये क्या है हमारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, किस किस के बीच में, वो है हमारा बोन के बीच में और हमारा इम्प्लांट के सरफेस के बीच में, इम्प्लांट के सरफेस के बीच में, ठीक है। तो ये हमारा है ऑशो इंटीग्रेशन। उसके बाद हमारा है सक्सेस क्राइटेरिया। तो देखिए कैसे पता चलेगा कि हमारा जो इम्प्लांट है वो ऑशो इंटीग्रेट हो चुका है ना। तो इसके लिए हमारा एक सक्सेस क्राइटेरिया बनाया गया कि मेरा इम्प्लांट कितना सक्सेसफुल हुआ है, उसके लिए क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले हार्वर्ड जो था उसने सक्सेस का क्राइटेरिया दिया, जिसने बोला कि 5 साल तक हमारे 75% केसेस जो हैं वो फंक्शन प्रोवाइड करेंगे, फंक्शनिंग रहेंगे, तो वो हमारा क्या होगा, सक्सेसफुल होगा। जो हमारा फंक्शनिंग होगा एडिक्वेट होगा, कोई एब्सेंस नहीं होगी डिजीज में, और हमारे एस्थेटिक जो होंगे वो इम्प्रूवड होंगे। तो जो हमारा सबसे पहले वाला जो सक्सेस क्राइटेरिया आया था वो हमारा क्या बोलता था, वो हमारा बोलता था हमारी बोन लॉस जो होगी अगर 33% इम्प्लांट की लेंथ से कम बोन लॉस हो रही है, ठीक है, लेंथ में अगर मेरा ये इम्प्लांट है, ठीक है, और इसमें 33% जो है उससे कम की बोन लॉस हो रही है तो मेरा क्या होगा, इम्प्लांट जो होगा वो सक्सेसफुल होगा। उसके बाद बोलता है कि हमारा जो हमारे ऑक्लूजल फोर्सेस होंगे वो हमारे क्या होंगे, बैलेंस्ड होंगे, तो हमारा इम्प्लांट जो होगा वो सक्सेसफुल होगा। हमारी वर्टिकल हाइट जो होगी, वर्टिकल डायमेंशन जो होगी वो हमारी स्टेबल होगी तो हमारा इम्प्लांट सक्सेसफुल होगा। हमारा इन्फ्लेमेशन, जिंजाइवल इन्फ्लेमेशन उतनी होगी कि हम उसको ट्रीट कर सके, ठीक है। तो जो हमारी जिंजाइवल इन्फ्लेमेशन है वो हमारी क्या होगी, एमनेबल होगी ट्रीटमेंट के, ठीक है। और बोलता था कि कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, तो क्या है, एब्सेंस होगा किसी भी इन्फेक्शन का। और क्या बोल रहे हैं, मोबिलिटी जो है हम लोग 1 मिलीमीटर से कम की हमारी जो है मोबिलिटी अगर होगी तो हमारा इम्प्लांट जो है वो सक्सेसफुल होगा, ठीक है। तो ये जो क्राइटेरिया था ना, इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो थे हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ इम्प्लांट्स, हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो उसके अंदर हमारे एक होते हैं सब पेरियोस्टल इम्प्लांट, जो कि हमारे क्या होते हैं, गम्स हटा के जस्ट गम्स के नीचे रखे होते हैं बोन के ऊपर, ठीक है। अगर ये हमारे जो बोन है तो उसके ऊपर गम्स के जस्ट ऊपर जो होंगे मेरे इम्प्लांट पड़े हुए होंगे, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो उनको बोलते हैं सब पेरियोस्टल इम्प्लांट। तो जो मेरे सब पेरियोस्टल इम्प्लांट्स हैं, वो कितने सक्सेसफुल हो रहे थे इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, उनकी सक्सेस जो थी हमारी 39-90% थी। हमारा जो ब्लेड फॉर्म इम्प्लांट है उसकी सक्सेस रेट क्या है, ब्लेड की तरह होता था वो इम्प्लांट नीचे से, आजकल हम लोग यूज नहीं करते हैं, उसकी सक्सेस रेट जो है 65-90%। और जो हमारा ऑशियो इंटीग्रेटेड एंडोसियस इम्प्लांट है, जो कि बोन के अंदर डालते हैं हम ऐसा स्क्रूज ऐसा, वो हमारा जो इम्प्लांट है ऑशियो इंटीग्रेटेड, उसकी सक्सेस है 80-100%। तो अगर मैं इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जाऊं, जो मेरा ये वाला सक्सेस का क्राइटेरिया है, इस सक्सेस के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमारा सक्सेस रेट तो ऑलमोस्ट सबका एक जैसा ही है। तो इसका मतलब मैं कैसे बताऊंगी कि कौन सा इम्प्लांट अच्छा है कौन सा इम्प्लांट बुरा है। तो हमारा एक जो था अल्बर्टसन जो था एंड जार्ब ने मिलके जो था 1986 में हमारा एक क्राइटेरिया दिया, ठीक है, 1986 में इन्होंने एक क्राइटेरिया बना दिया कि ये जो है ये एग्जैक्ट क्राइटेरिया है। इसमें हमारा क्या बोल रहा था, मोबिलिटी जो है 1 मिलीमीटर से कम की होनी चाहिए। इसने जार्ब ने क्या बोला, इसने बोला कि हमारा जो मोबिलिटी है इम्प्लांट की होनी ही नहीं चाहिए। तो इसने क्या बोला था कि कोई भी मोबिलिटी नहीं होनी चाहिए इम्प्लांट में, ठीक है, अगर मल्टीपल इम्प्लांट भी डाल रहे हो तो एक इम्प्लांट में भी मोबिलिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और रेडियोग्राफ के अंदर हमारी पेरियापाइकल रेडियोल्यूसेंसी नहीं आनी चाहिए, उसके बाद बोल रहा था कि कोई भी इम्प्लांट जो होगा वो कोई सिम्टम नहीं दिखाना चाहिए, एसिम्टोमेटिक होना चाहिए, यानी कि ना ही कोई पेन होनी चाहिए ना ही कोई इन्फेक्शन होना चाहिए, ठीक है,
और जो हमारा क्रिस्टल लेवल है, ये देखिए ये जो क्रिस्टल लेवल है, क्रिस्टल लेवल पे जो इम्प्लांट होगा हमारा वो स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। और हमारा क्या बोल रहा था कि अब एक साल के, जैसे ही हमने लोड कर दिया फंक्शनिंग इम्प्लांट के, क्या बोलते हैं हमने, ये हमारा इम्प्लांट है, इम्प्लांट के ऊपर जो है हमने क्राउन दे दिया, ठीक है, ये हमने इम्प्लांट के ऊपर क्राउन दे दिया। तो जैसे ही क्राउन दे दिया वो हमने लोड में ला दिया, यानी ऑक्लूजन में ला दिया, तो हमारे इम्प्लांट पे फोर्स पड़ने लगे। तो जो हमारा इम्प्लांट का लोडिंग है ना, वो लोडिंग जो होगी हमारी करने के दो साल के अंदर अंदर, एक साल के, आई एम सॉरी, एक साल के अंदर अंदर हमारी लोडिंग जो होगी, लोडिंग करने के एक विद इन अ ईयर जो होगा हमारा, वो 0.2 मिलीमीटर से कम का जो होना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लेस देन होगा 0.2 मिलीमीटर वन ईयर आफ्टर लोडिंग, फर्स्ट ईयर आफ्टर लोडिंग, ठीक है। और हमारे सॉफ्ट टिश्यूज जो होंगे वो हेल्दी होंगे, फिर सबसे इंपॉर्टेंटली ये क्या बोल रहा है, पांच साल की अगर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे एक इम्प्लांट प्लेस करने के बाद, तो फाइव ईयर की ऑब्जर्वेशन के अंदर हमारा 85% जो होगा सक्सेसफुल रेट होगा 5 ईयर में, और 80% हमारा सक्सेस होगा 10 ईयर में, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो हमारा क्राइटेरिया है, ये सक्सेस के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो है हम लोग डायग्नोस करते हैं, हम बोलते हैं कि हमारा जो सक्सेस का क्राइटेरिया है वो इम्प्लांट अगर ये सारा क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो हमारा इम्प्लांट जो होगा वो हमारा सक्सेसफुल होगा, ठीक है। अब ये तो हमारी बात है सक्सेस क्राइटेरिया की, अभी हम लोग बात करते हैं हमारा प्रोसेस क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहले, इससे पहले कि हम प्रोसेसेस फेजेस बात करें इम्प्लांट की, मैं आपको बता दूं ऑशो इंटीग्रेशन जो होती है, हमारी बोन फॉर्मेशन होती है दो तरीके से होती है, या तो हमारी होती है इंट्रा मेम्ब्रेनस होती है, या फिर हमारी होती है एंडोकॉन्ड्रियल होती है। इंट्रा मेम्ब्रेनस के अंदर क्या होता है, हमारा सेल्स जो होंगे वो हमारा बोन बनाएंगे, लेकिन हम लोग एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन की बात करते हैं। देखिए नाम में ही सब कुछ है, एंडोकॉन्ड्रियल, कॉन्ड्रल मतलब जो हमारा कार्टिलेज है उससे हमारा जो है बोन फॉर्मेशन हो रहा है। तो जो हमारी इंट्रा मेम्ब्रेनस बोन फॉर्मेशन है, जो हमारी इंट्रा मेम्ब्रेनस बोन फॉर्मेशन है, इंट्रा मेम्ब्रेनस बोन फॉर्मेशन के अंदर हमारा क्या होता है, मेसेनकाइमल सेल्स होते हैं। सबसे पहले हमारे मेसेनकाइमल सेल्स ही आते हैं। मेसेनकाइमल सेल्स जो होते हैं वो हमारे ये स्टेम सेल्स होते हैं, तो वो किसी भी सेल में जो होते हैं ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो मेसेनकाइमल सेल्स क्या बनाते हैं, हमारे ऑस्टियोब्लास्ट बनाते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, बोन की फॉर्मेशन कराते हैं, हमें पता है। वो क्या सिक्रीट करते हैं, हमारे ऑस्टियोइड सिक्रीट करते हैं, ठीक है। जो हमारा ऑस्टियोब्लास्ट है वो क्या करता है, हमारा बोन वोवन बोन बनाता है, जिससे हमारी क्या बनती है, फिर लैमिलर बोन बनती है। तो वो हमारी वोवन बोन बनाता है, तो ऑस्टियोइड के साथ मिलके ब्लड वेसल्स जो न्यूली फॉर्म्ड होती है, हम आगे न्यू वेस्कुलराइजेशन पढ़ेंगे, उसके साथ मिलके हमारी क्या बनाता है, ये वोवन बोन बनाता है। अब जो हमारी वोवन बोन है वो बाद में मैच्योर होकर क्या बनाती है, वो लैमिलर बोन बनती है, ठीक है। ये हो गया हमारा इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। अगर हम लोग बात करते हैं एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन की, तो एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन में मैंने आपको क्या बोला, एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन कैसे होगी, एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन होगी हमारा कार्टिलेज जो है, हाइलाइन कार्टिलेज जो होगा वो हमारा क्या करेगा, मैच्योर करेगा और फिर वो क्या बनाएगा, हमारा बोन बनाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमारा हाइलाइन कार्टिलेज है, तो हाइलाइन कार्टिलेज जो है हमारा, उसके अराउंड जो होती है ऑसिफिकेशन होती है। तो ये हमारी क्या बनी है, ये हमारा बोन कॉलर बना, ठीक है, ये हमारा, ये हमारा बोन कॉलर, उसके बाद नेक्स्ट फेज में क्या होता है हमारा, ये हमारा बोन कॉलर। नेक्स्ट फेज में हमारा क्या होता है, अब बीच में जो हमारा प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर था ना, उसमें हमारा डिट्योरेशन होने लगता है कार्टिलेज के मैट्रिक्स का। तो जैसे कार्टिलेज का मैट्रिक्स डिटियोरेट हो रहा है बीच में, फिर क्या हो रहा है हमारा, बीच में हमारी स्पंजी बोन बन रही है, ठीक है।
और साथ ही साथ हमारे क्या आ रहे हैं, साथ ही साथ हमारे ब्लड वेसल आ रहे हैं पेरियोस्टल बड में, तो ये हमारे ब्लड वेसल ऑफ पेरियोस्टल बड आ रहे हैं। अब उसके बाद क्या है हमारा, ये जो बीच वाला स्पेस था जो जहां पे स्पंजी बोन बनी थी, ठीक है, ये मेरा किसमें कन्वर्ट हो गया, ये मेरा मेडुलरी कैविटी के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये बीच में मेरी क्या है, ये मेडुलरी कैविटी बन गई है, ये जो है मेरी मेडुलरी कैविटी बन गई है, ठीक है, और यहां पे मेरी क्या है, ब्लड वेसल है पेरियोस्टल बड्स की, और साथ के साथ मेरा एक और जगह ओसिफिकेशन स्टार्ट हो गया। देखिए सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर बन गई है, ये भी वही कार्टिलेज का मैट्रिक्स डिटियोरेट हो गया, लेकिन ये यहां ये कहां पे हुआ, अभी हमारे एपिफाइसिस पे हुआ, ठीक है। इसके बाद मेरा क्या बनता है, इसके बाद मेरा आती है लास्ट स्टेज जहां पे मेरी ऑसिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब मेरा जो हाईलाइन कार्टिलेज है वो सिर्फ एपिफाइसल प्लेट और आर्टिकुलर कार्टिलेज पे बच गया, बाकी हर जगह मेरी क्या है ऑसिफिकेशन हो चुकी है। तो यहां पे मेरा कार्टिलेज बच जाता और यहां पे मेरा बस कार्टिलेज बच जाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हमारी होगी एंडोकोंड्रियल बोन फॉर्मेशन। अगर हम लोग बात करते हैं हमारी प्रोसेस फेजेस की बात करते हैं हम लोग जो ऑशियो इंटीग्रेशन के फेजेस हैं, तो देखिए ऑशियो इंटीग्रेशन के चार फेजेस है, हीमोस्टेसिस है, ये इसके लिए कुछ स्पेशल याद करने की जरूरत नहीं है, आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं हीलिंग, तो जो हमने हीलिंग पढ़ी थी हमने फिजियोलॉजी में, वही चीज हम दोबारा पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। तो जो पेरियो के स्टूडेंट्स हैं उनको तो बहुत ईजी होगा क्योंकि वो लोग तो हीलिंग पढ़ते रहते हैं। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, ये चार फेजेस में सबसे पहला हमारा जो फेज है वो है हमारा हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस के अंदर क्या होता है, देखिए हीमोस्टेसिस के अंदर जैसे ही हीमो मतलब ब्लड, स्टेसिस मतलब रुक जाना, तो हमारा ब्लड जो है ब्लड का फ्लो रुक जा रहा है, जैसे ही हमारी इंजरी होती है ऐसे ही क्या होता है ब्लड ऊज आउट होने लगता है, वहां से ब्लीडिंग होने लगती है। तो इसके अंदर क्या बनता है, प्लेटलेट्स आते हैं, प्लेटलेट क्या करते हैं फाइब्रिन को एक्टिवेट करते हैं, फाइब्रिन जो होता है वो ग्लू का काम करता है, वो प्लग्स बना देता है, तो वहां पे ब्लीडिंग रोक देता है, ठीक है। सेकेंड फेज जो है इसके अंदर फिर क्या आते हैं, सेकेंड फेज में हम लोग बात करते हैं इन्फ्लेमेशन की। तो जो हमारा फाइब्रिन बना है, जो प्लेटलेट्स जो है, प्लेटलेट क्या करते हैं इस फेज के अंदर हमारे प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज करते हैं। प्लेटलेट जो होते हैं हमारे वो कुछ फैक्टर्स रिलीज करते हैं जिसकी वजह से हमारी क्या होती है इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है। तो ये फैक्टर जो रिलीज होते हैं ये फैक्टर्स क्या बनाते हैं हमारे, फाइब्रोब्लास्ट बनाते हैं, ये फैक्टर्स हमारे एग्रीगेट होते हैं, ठीक है, ग्रोथ फैक्टर्स बनाते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स बनाने के बाद जो होते हैं हमारे फाइब्रोब्लास्ट बनाते हैं, ठीक है। तो थर्ड जो फेज आती है वो हमारी प्रोलिफरेशन आती है, तो थर्ड फेज जो है हमारी वो प्रोलिफरेशन फेज है। प्रोलिफरेशन फेज के अंदर हमारा क्या हो रहा है, प्रोलिफरेशन फेज के अंदर जो हमारा फाइब्रिन बन चुका है, एक तो प्रोलिफरेशन के अंदर हमारे डब्ल्यूबीसी जो थे वो खा जाते हैं क्या, वो डेड सेल्स को खा जाते हैं, जितना भी डेड हमारा बोन बचा हुआ है या कोई भी डेड सेल डैमेज सेल है, और बैक्टीरिया भी अगर इनफिल्ट्रेट हो गया तो उसको भी खा जाते हैं, एनगल्फ कर लेते हैं, और साथ ही साथ हमारी एंजियोजेनेसिस होती है। एंजियोजेनेसिस क्या होती है, जिसके अंदर न्यू ब्लड वेसल फॉर्म होती है, यानी कि अभी देखिए हमारी बोन तो खत्म हो चुकी है, अब जो नई बोन बनेगी उसमें ब्लड वेसल बनेंगे, उसके इर्द गिर्द हमारा क्या होगा बोन फॉर्मेशन होगी। तो जो हमारी नई ब्लड वेसल्स बनी है एंडोथीलियल वस्कुलर एंडोथीलियल सेल्स से जो होती है हमारी नई न्यू ब्लड वेसल्स बनती है, और जो हमारी फाइब्रो ब्लास्ट होते हैं वो क्या बनाते हैं हमारे मैट्रिक्स बनाते हैं। एक देखिए जो फाइब्रिनोजन जो हमारा फाइब्रोब्लास्ट है, मैं अभी और डिटेल में हम लोग एक रिव्यू ब्रीफ करेंगे हम लोग, तो जो हमारे फाइब्रोब्लास्ट है वो एक सेल्स हैं जो कि हमारा क्या बनाते हैं मैट्रिक्स बनाते हैं, जो कि हमारा ग्राउंड सब्सटेंस बेसिकली बोन का ग्राउंड सब्सटेंस बना के देते हैं पूरा का पूरा, जिसके अंदर हमारा क्या होता है कोलेजन सिक्रीट होता है, फाइब्रोनेक्टिन सिक्रीट होता है, और उसके बाद क्या है हमारी दोबारा से रीएपिथेलाइजेशन होती है जिसके अंदर एपिथेलियल सेल्स दोबारा से बनते हैं, ठीक है, और वुंड कॉन्ट्रैक्शन भी इसी के अंदर ही होती है। उसमें वुंड कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है हमारा जो मायोफाइब्रोब्लास्ट होते हैं वो साइड साइड से जो हमारे एजेस होते हैं उनको ग्रिप करके जो होते हैं उसका साइज कम कर देते हैं। तो देखते हैं जब वुंड कॉन्ट्रैक्शन होता है तो हमारा जो होता है साइज कम हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं लास्ट एज की, जो कि हमारी मैच्यूरेशन फेज है, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं रीमॉडलिंग ऑफ द बोन भी बोल देते हैं, ठीक है। ये सबसे लास्ट में होती है, यानी जब हमारी बोन फॉर्मेशन पूरी हो चुकी है, बिल्कुल कंप्लीट मैच्योर्ड बोन फॉर्म हो गई है, वो हमारी रीमॉडलिंग होती है। प्रोलिफरेटिव स्टेज में हमारा सिर्फ वोवन बोन, यानी जो इनिशियल बोन बनी है, ठीक है,
ठीक है, ऑस्टियोइड के मैट्रिक्स से जो बनी है वो हमारी वोवन बोन जो हम पीछे बात कर चुके हैं वो जो बनी है वो सिर्फ प्रोलिफरेशन तक होती है, रीमॉडलिंग में हमारी फाइनली मैच्योर्ड बोन जो होती है वो बनती है। देखें अभी हम लोग बात करते हैं स्टेप्स की, तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, ब्लड क्लॉट होता है ना, सबसे पहले खून जमा होता है। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम इम्प्लांट प्लेस करते हैं तो जो हमारी साइट होती है, ये अगर हमने साइट जो बनाई है, ये अगर हमने ड्रिल करके ये साइट बनाई है, इस साइट के अंदर जो है हम लोग ब्लीडिंग करानी बहुत जरूरी होती है। जब आप इम्प्लांट प्लेस करते हैं, ये सब बातें आपको कोई बताता नहीं है, तो जब हम इम्प्लांट प्लेस करते हैं तो जो हमारा इम्प्लांट का ऑस्टियोटमी साइट है वहां से ब्लीडिंग होनी बहुत जरूरी है। अगर ब्लीडिंग नहीं होगी तो क्या होगा, हमारा ऑस्टियो इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो हमारा ऑस्टियो इंटीग्रेशन यानी इम्प्लांट को बोन से अटैच कराने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ब्लीडिंग कराएं। अगर नहीं होती है तो हम प्रोब से क्या करते हैं, इम्प्रिंज करके हम ब्लीडिंग कराते हैं, नहीं तो हमारी ऑस्टियो नेक्रोसिस हो जाएगी, बोन की नेक्रोसिस हो जाएगी। तो सबसे पहले जो होता है हमारा ब्लड क्लॉट होता है, उसके बाद हमारे क्या आते हैं, न्यूट्रोफिल्स आते हैं, ठीक है, उसके बाद हमारे न्यूट्रोफिल्स आते हैं, मैक्रोफेजेस आते हैं, जो सेल्स हैं हमारे ब्लड के सेल्स हैं, तो हमारे उसके बाद क्या आते हैं, ये क्या कहलाते हैं, मैक्रोफेजेस लेके आते हैं, और ये कब तक आते हैं, हमारे 3 दिन तक, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होता है, उसके बाद हमारा इतने सारे सेल्स आ गए एक ही जगह में, तो हाइपोक्सिया हो गया, ठीक है, यानी ऑक्सीजन की कमी हो गई उस स्पेसिफिक जगह में। इसके बाद मेरी क्या हो गई, इन्फ्लेमेशन हो गई है, हाइपोक्सिया हो गया, तो मेरे क्या आ गए, सारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ गए, ठीक है। अब मेरे इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो आए हैं वो क्या रिलीज करते हैं, मेरे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज करते हैं। इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स के अंदर मेरे क्या कौन कौन से मीडिएटर्स आते हैं, इंटरल्यूकिन आते हैं, इंटरल्यूकिन कौन कौन से, 1, 6, 8, 10 आते हैं। उसके बाद मेरे ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर आता है, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा और बीटा आते हैं। उसके बाद मेरे इंटरफेरॉन्स, बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरफेरॉन्स आते हैं, इंटरफेरॉन्स अल्फा आते हैं। तो देखिए जो साइटोकाइंस है ना, ये मेरे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं। अगर हम लोग साइटोकाइंस की बात करते हैं तो मेरे जो साइटोकाइंस हैं वो कौन कौन से उसके अंदर आते हैं, मेरे 4 सेल्स है ना, 4 चीजें आती हैं। एक आते हैं मेरे कीमोकाइंस, एक आते मेरे प्रो इन्फ्लेमेटरी सेल्स, प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, जो प्रो इन्फ्लेमेटरी सेल्स मैंने अब बात किया। प्रो इन्फ्लेमेटरी के अंदर मेरे कौन कौन से आते हैं, प्रो इन्फ्लेमेटरी के अंदर आएंगे मेरे प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर ये वाले, और फिर मेरे आते हैं वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, फिर मेरे आता है प्रोस्टाग्लैंडिन ग्रोथ फैक्टर है ना, और थर्ड मेरे हैं सारे के सारे ग्रोथ फैक्टर जितने भी होते हैं वो भी साइटोकाइंस के ही हैं, और मेरे एंटी इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो, ठीक है। तो जो मेरे ग्रोथ फैक्टर्स हैं, वापस से जाते हैं, अब जो मेरे ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो क्या रिलीज करते हैं, वो ग्रोथ कराते हैं। ग्रोथ कैसे कराते हैं, वो क्या करते हैं, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स बनाते हैं, है ना। प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स कौन से होते हैं, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कोई भी सेल में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सेल्स कौन कौन से सेल्स बनाते हैं, ये सेल्स हमारे एपिथेलियल सेल्स बनाते हैं, ये सेल्स मेरे फाइब्रोब्लास्ट बनाते हैं, सारे सेल्स ही बनाते हैं ये, ठीक है। और ये सेल्स मेरे और क्या बनाते हैं, और मेरे ऑस्टियोब्लास्ट बनाते हैं, पीछे पढ़ चुके हम जो मेसेनकाइमल सेल्स से बन रहे थे, ठीक है। तो जो मेरे फाइब्रोब्लास्ट है ना, ये प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स बाद में क्या कराएंगे, न्यू वास्कुलराइजेशन कराएंगे। अब हम लोग बात करते हैं सिर्फ फाइब्रोब्लास्ट की, ठीक है। तो मेरे जो फाइब्रोब्लास्ट हैं, मेरे जो फाइब्रोब्लास्ट हैं, अभी तक आपको समझ आ रहा है ना सब कुछ, ये थोड़ा सा सेल से रिलेटेड है, इसके बाद ये बोरिंग नहीं रहेगा। तो जो मेरे फाइब्रोब्लास्ट हैं वो 2 चीजें बना रहे हैं, ठीक है, वो 2 चीजें बना रहे हैं। एक मेरा बना रहे हैं कोलेजन, और एक मेरा बना रहे हैं ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है। तो ये जो मेरा ग्राउंड सब्सटेंस है, इसके अंदर भी 2 चीजें हैं, इसके अंदर एक मेरे आते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, और मेरे आते हैं प्रोटियोग्लाइकन्स, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन्स जो हैं, उनके उनके पास क्या होता है, डेकोरिन होता है। डेकोरिन जो होता है वो मेरा सेल से सेल का एडहेजन कराता है, ठीक है, इंट्रासेलुलर एडहेजन के लिए मॉलिक्यूल होता है। तो ये डेकोरिन जो है, ये मेरा क्या है, कोलेजन के साथ मिलके जो है
वो मेरा क्या कराता है, ये एंडोकोंड्रियल ऑसिफिकेशन फाइब्रोब्लास्ट के साथ मिलके डेकोरिन क्या करता है, एंडोकोंड्रियल ऑसिफिकेशन कराता है। ठीक है, एंडोकोंड्रियल ऑसिफिकेशन में आपको डिटेल में बता चुके हूं पीछे, तो एंडोकोंड्रियल ऑसिफिकेशन करा, इससे मेरी क्या बनी, वोवन बोन बनी, ऑस्टियोइड मैट्रिक्स की जो बोन थी। ठीक है, ब्लड वेसल प्लस ऑस्टियोइड मैट्रिक्स। ऑस्टियोइड मैट्रिक्स किससे बना है, ऑस्टियोइड मैट्रिक्स बना है मेरा किससे, फाइब्रोब्लास्ट से, है ना, आई एम सॉरी ऑस्टियोब्लास्ट से। ठीक है, तो वोवन बोन जो होती है वो मेरी, ये वोवन बोन कितने टाइम में बनती है, ये मेरी बनती है 3 हफ्ते से लेके और 2 महीने तक में बनती है ये। ठीक है, 3 weeks to 2 months ऑफ टाइम में। उसके बाद मेरी क्या बनती है, लैमिलर बोन बनती है, ये मेरी बनती है 2 से 4 महीने के टाइम में। ठीक है, उसके बाद मेरी क्या होती है, बोन की रीमॉडलिंग होती है। ये मेरा क्या था, प्रोलिफरेशन स्टेज था, इससे पहले जो मैंने बनाया था वो इन्फ्लेमेशन और हीमोस्टेसिस था। तो अब मेरी क्या हो गई है, बोन की रीमॉडलिंग हो गई है। बोन की रीमॉडलिंग में क्या होता है, बोन की रीमॉडलिंग में मेरे अलाइंग होते हैं कोलेजन फाइबर्स जो टेंशन के अलोंग, और एपोप्टोसिस होती है यानी प्रोग्राम सेल डेथ होती है, जितने भी अनवांटेड सेल्स होते हैं उसकी। ये कब तक होती है मेरी, ये होती है मेरी 4 मंथ से लेके और 1 ईयर तक, पूरी कंप्लीट जो होती है मेरी वो 8 to 10 months में होती है, 1 साल भी लग जाता है कभी कभी, डिपेंड करता है फैक्टर्स पे। नेक्स्ट वीडियो में हम फैक्टर्स की भी बात करेंगे, जो हमारी ऑशो इंटीग्रेशन को फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, और हम लोग मेनली बात करेंगे हमारे कॉन्सेप्ट्स की, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, और अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल।